चलिए अभी हिंदी की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि कल हमने पाठ पांच पढ़ा था, जिसका नाम था सूरज पाठ। इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, ठीक ना? सबको हमने चैप्टर पढ़ा था, ठीक ठाक ठीक से पढ़ा था, सबको समझ में आ गया था। क्या था चैप्टर? बादल और सूरज और बादल थे जो दोनों एक दूसरे को झगड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। तो धरती ना के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, उनको कहा था कि नहीं, आप दोनों ही बड़े, हमें आप दोनों की जरूरत है। ऐसा था हमारा पार्ट सूरज और बादल। तो चलिए अब हम इससे जुड़ी एक्सरसाइज, जिससे जुड़ा हमारा अभ्यास कर है, आओ करें वन, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसमें है आओ करें, पेज नंबर 63। सारे बच्चे कुछ निकाल लीजिए, पेज नंबर 63 को ओपन करें, ठीक है? तो उसमें क्या दिया है, किसने बोला मेरी गर्मी से डरकर लोग घरों में छिप जाते हैं? ये किसने कहा था? जब किसकी गर्मी से हम लोग घरों में अंदर हो जाते हैं? जब सूरज निकलता है, यानी सूरज की जब धूप पड़ती है तो हम लोग घरों में छिप जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? सूरज। पहले में क्या हो जाएगा? सूरज ने किसने कहा कि मेरी गर्मी से डरकर लोग घरों में छिप जाते हैं? सूरज। उसके बाद ये मत भूलो कि मेरे छा जाने पर तुम कहीं दिखाई नहीं पड़ते हो। अब ये बताइए, जब बाद किसके आ जाने पे सूरज नहीं दिखाई पड़ता है? बादल के। तो क्या हो जाएगा? किसने कहा था? बादल ने कि मेरे आ जाने में, ये मत भूलो कि मेरे छा जाने पर तुम कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या हो जाएगा? बादल ने। उसके बाद तुम मेरी ही गर्मी से भरे। ये बात बादल को किसने कही थी? सूरज ने। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सूरज। उसके बाद तुम दोनों ही बड़े हो, तुम दोनों के बिना भला कौन रह सकता है? ये किसने कहा था लास्ट में? ये कहा था धरती। तो क्या हो जाएगा हमारा? धरती की। तो यहाँ पे हमारा आओ करें वन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दिया है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है? यहाँ पे वाक्य दिया गया है, कौन घमंड के मारे सिर पे चढ़ा जा रहा था, और तीन विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उस पे हम टिक का निशान लगाएंगे, यानी सही का चिन्ह लगाएंगे। तो कौन घमंड के मारे सिर पे चढ़ा जा रहा था? कौन चढ़ा जा रहा था? बादल, सूरज या धरती? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बादल। तो इस पे हम क्या करेंगे? टिक का आप लोग क्या करिएगा यहाँ पे? टिक का ऐसे निशान लगा दीजिएगा इसके बगल में, ठीक? उसके बाद धरती ने किसे प्रणाम किया? धरती ने दोनों को किया था, सूरज बादल ये दोनों। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? दोनों। इसको टिक करेंगे, दोनों। किससे डरकर लोग घरों में छुप जाते हैं? सूरज बादल ये चांद। तो किसको देख के? सूरज। दोनों को बड़ा किसने बताया? किसने कहा था कि आप दोनों ही बड़े हो? किसने? धरती। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? धरती, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं आओ करें थ्री। जो है दिए गए प्रश्न के उत्तर कॉपी में लिखना है, प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, और आप कॉपी में इस काम को करोगे, ठीक है? तो पूछा है बादल और सूरज क्यों झगड़ रहे थे? तो बताइए बादल और सूरज क्यों झगड़ रहे थे? तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर इसका? कि सूरज और बादल स्वयं को एक दूसरे से शक्तिशाली बता रहे थे। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं बड़ा हूँ। तुम क्या कर रहे थे? स्वयं को एक दूसरे से शक्तिशाली बता रहे थे, इसलिए आपस में झगड़ रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि सूरज और बादल स्वयं को एक दूसरे से शक्तिशाली बता रहे थे, ठीक। पहले का आंसर ये उत्तर ये हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, किसने बादल और सूरज के झगड़े का अंत करवाया? तो किसने करवाया था? धरती ने। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? धरती ने बादल और सूरज के झगड़े का अंत करवाया, ठीक। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? तो इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं, दिया है उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना? तो क्या है उल्टे अर्थ वाले शब्द? जैसे पढ़िए बड़ा छोटा, देखिए पेज नंबर 65 लिखा है उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब हम लोग जानेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे दिया है बड़ा, बड़ा का क्या होता है? छोटा, बोलते ना बड़ा छोटा। तो क्या है ऊपर नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में पहला शब्द दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या है बड़ा छोटा और उल्टा ऊपर और नीचे दिया है। तो दिए गए शब्दों के
अर्थ बताने वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। क्या है? एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे दिन रात, और देखिए ठंडा गर्म, भारी हल्का, दायां बायां, आगे पीछे, हार जीत, ये सब क्या है? हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, आज आप लोग यहाँ जो ये हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द और जो इतने सारे शब्द दिए हैं इनको आप रीड